हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी हम खड़े हैं एम्बियंस मॉल के एंट्रेंस गेट पर और इसके जस्ट बाहर यह द लीला होटल है, जो कि उन 5 स्टार होटल्स में से एक है जहां पर सबसे ज़्यादा वीआईपी, सेलिब्रिटीज़ और रिच पीपल स्टे करते हैं। और यह जस्ट मॉल के आउटसाइड पर ही है। इस लग्जरी होटल का टूर हम फिर कभी करेंगे और फिलहाल चलते हैं मॉल के अंदर। हम मॉल के अंदर इंटर कर चुके हैं और ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर कितना प्यारा सा शॉपिस रखा हुआ है। देखिए कितना खूबसूरत मॉल है और काफ़ी बड़ा भी है। आज मैं आपको यहाँ का पूरा फुल टूर कराने वाली हूँ, साथ ही यहाँ पर कौन कौन से स्टोर और आउटलेट्स हैं ये भी बताने वाली हूँ। और ये देखिए सामने स्टारबक्स कॉफ़ी हाउस है और इसी के पास में ये अरमानी एक्सचेंज शोरूम है और इसके पास में ये बॉस का शोरूम है। यहाँ पर शोरूम्स की कोई कमी नहीं है, यहाँ पर आपको नॉर्मल ब्रांड भी देखने को मिलेंगे और साथ ही लग्जरी ब्रांड भी। अभी हम ग्राउंड फ्लोर पर हैं और ऐसे ही यहाँ पर टोटल 7 फ्लोर हैं। हम पहले ग्राउंड फ्लोर को एक्सप्लोर करेंगे, उसके बाद फर्स्ट फ्लोर पर जाएंगे। देखिए यहाँ पर ग्राउंड फ्लोर पर भी कितने सारे शोरूम्स हैं। जब 2007 में यह ओपन हुआ था, उस टाइम पे यह इंडिया का सबसे बेस्ट और लॉन्गेस्ट मॉल था। अगर हम इसकी लंबाई की बात करें तो यह अप्रोक्स 1 किलोमीटर के एरिया में फैला है और काफ़ी बड़ा और ग्रैंड मॉल है। यहाँ पर दिन भर घूमना भी हमारे लिए कम पड़ सकता है। ये देखिए यहाँ पर ग्राउंड पर ही बच्चों की एक्टिविटी के लिए किड्स ट्रेन है। देखिए कितने सारे बच्चे बैठे हैं और बच्चों के साथ कुछ उनके पेरेंट्स भी बैठे हैं। और ये देखिए ट्रेन ग्राउंड का एक पूरा राउंड लगाकर आ गई है। कितनी छोटी सी और प्यारी सी ट्रेन है। अब हम ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर पर जा रहे हैं। यहाँ पर बहुत सारे शोरूम्स इंटरकनेक्टेड भी है, जैसे ये H&M का शोरूम है सामने, ये ग्राउंड फ्लोर पर भी है, फर्स्ट फ्लोर पर भी है और सेकंड फ्लोर पर भी है। ऐसे ही यहाँ पर और भी शोरूम्स हैं जो इंटरकनेक्टेड हैं, जिनमें आप अंदर से ही एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर पर जा सकते हैं। वैसे तो यहाँ गुड़गांव में बहुत सारे मॉल हैं, बट इस मॉल की बात ही अलग है, क्योंकि यहाँ पर आपको सभी फेमस इंटरनेशनल और डिज़ाइनर इंडियन ब्रांड्स के रिटेल स्टोर देखने को मिलेंगे, जहाँ से आप अपनी सारी शॉपिंग कर सकते हैं। यहाँ पर एक्सप्लोर करने के लिए काफ़ी कुछ है, जैसे फन सिटी है, किड्स जोन है और शॉपिंग के लिए तो यहाँ पर पूरा खजाना है। देखिए सामने वाली लाइन में भी कितने सारे शोरूम्स हैं। स्ट्राइड का है, क्लार्क्स का है, लेनोवो, टाइटन, क्लार्क शूज़, हर्श पपीज, सैमसंग और ये इधर न्यू यू का शोरूम है कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स के लिए। यहाँ पर आप जहाँ पर भी नज़र डालेंगे आपको सिर्फ और सिर्फ लग्जरी और ब्रांडेड शोरूम ही नज़र आएंगे। ये यहाँ पर पेंटालून्स का शोरूम है। और ये देखिए फ्रेंड्स, सामने यूनिक्लो नाम से एक जापानी स्टोर है फ्रॉम टोक्यो टू गुड़गांव। बहुत बड़ा स्टोर है इसका भी, ग्राउंड पे भी है और फर्स्ट पे भी दिख रहा है। और ग्राउंड में भी ये कुछ स्टोर्स लगे हुए हैं कपड़ों के और ज्वेलरी के। यह मॉल फॉरेनर्स के बीच भी काफ़ी लोकप्रिय है। यहाँ पर आपको बहुत सारे फॉरेनर्स भी शॉपिंग करते हुए दिख जाएंगे, क्योंकि कुछ ऐसे ब्रांड्स हैं जो आपको सिर्फ इसी मॉल में देखने को मिलेंगे।
फर्स्ट फ्लोर पर ही आपको ये हेमलेस का शोरूम भी देखने को मिल जाएगा। लंदन की कंपनी है ये और बहुत ही बड़ा शोरूम है इसका भी यहाँ पे। यहाँ पर अंदर शोरूम में एंट्री करते ही हमको एक प्यारा सा डायनासोर दिखता है, इसका सेल्फी पॉइंट बना रखा है यहाँ पे। बहुत सारे लोग यहाँ पर इसके साथ सेल्फी ले रहे थे तो हमने भी ले ली। यहाँ बच्चों के टॉयज वगैरह मिलते हैं, काफ़ी अच्छा कलेक्शन दिख रहा है और एक्सपेंसिव भी लग रहा है। टेडीज़ में भी यहाँ पर कितनी सारी वैरायटी है। अभी हम आ गए हैं थर्ड फ्लोर पे और यहाँ पर पूरा फूड जोन बना हुआ है, साथ ही यहाँ पर फन सिटी और पीवीआर सिनेमाज भी है। तो चलिए आपको दिखाते हैं कि कौन कौन से आउटलेट्स हैं यहाँ पे। यहाँ पर फर्स्ट में ही ये मैकडोनाल्ड्स का आउटलेट है और इसी के जस्ट पास में ये पंजाबी ग्रिल है। और ये यहाँ पे पिज़्ज़ा हट है और इसी के जस्ट पास में KFC और इसी के पास में है ये कोस्टा कॉफ़ी। और ये सेंटर में हराजुकु टोक्यो कैफ़े है जो बेस्ट जापानी फूड के लिए फेमस रेस्टोरेंट है। ये सागर रत्न भी यहाँ पर न्यू ओपन हुआ है, इसका बोर्ड लगा हुआ है सामने और यह साउथ इंडियन खाने के लिए फेमस है। अभी हम जा रहे हैं मॉल के टॉप फ्लोर पे और वहाँ से भी आपको एक बार पूरा मॉल का व्यू दिखा देते हैं। और ये देखिए टॉप फ्लोर से मॉल का ब्यूटीफुल सा व्यू। यहाँ का जो इंटीरियर है और जो ग्रीनिश कलर है वो मुझे यहाँ पर बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगा। अगर आप भी यहाँ आते हैं गुड़गांव तो आपको एक बार इस मॉल को ज़रूर विज़िट करना चाहिए। यहाँ आकर आपको ऐसा फील होगा जैसे कि आप फॉरेन के किसी मॉल में घूम रहे हैं। अभी हम आ गए हैं मॉल के बाहर और सच में ना बहुत ही ज़्यादा लग्जरी और VIP मॉल है। इस मॉल की पार्किंग ही इतनी ज़्यादा बड़ी है कि यहाँ पर एक बार में ही 4000 से भी ज़्यादा गाड़ियाँ खड़ी हो सकती है। और इसका जो पार्किंग चार्ज है वो 30 रुपीज़ पर आवर के हिसाब से है और यह मॉर्निंग में 10 बजे ओपन होता है और रात को 10 बजे तक ओपन रहता है और आप यहाँ पर सप्ताह के किसी भी दिन आ सकते हैं। तो चलिए वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं और आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय।